अवधेश और अनुप को भी बुलाएं क्योंकि हम दोनों का स्टार्टअप साथ में था। मैं एक्चुअली भूल गया, अवधेश और अनुप मेरे घर आया से कुछ दिन पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एक महीना पहले। सो मैं नॉर्मली घर पे नहीं मिलता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझसे बात करी मुझे लगा मिल लेना चाहिए उनसे। और 25-25 साल के लड़के हैं दोनों, और 25 साल में हमको कुछ नहीं आता था, टू वेरी ऑनेस्ट, सच में कुछ भी नहीं आता था हमको, और बोलते हुए अपने को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन इन लोगों ने जो 25 साल में किया है वो बहुत सारे लोग 50 की उम्र में भी नहीं कर पाते, राइट। और सबसे अच्छी बात इन लोगों को ये लगी कि इन लोगों ने बहुत स्क्रैच से अपना लाइफ स्टार्ट किया, और जो मुझे इनके बारे में जानकारी है वो ये है कि बचपन में ही जब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया तो 30-40 लाख का फटका लग गया, और तो हंस रहे हैं आप। इसी तरह आप भी 5 साल के बाद आज कोई मुसीबत आ रही होगी तो उसमें हंस रहे हैं, जैसे आज ही हंस रहे हैं, उस वक्त तकलीफ हो रही होगी शायद इनको, लेकिन आज ये मुस्कुरा रहे हैं तो बड़े अच्छी वाली बात नहीं। लेकिन 30-40 लाख रुपए इस उम्र में गवा देना, वहां से रिकवर करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क। लेकिन इन लोगों के ऊपर यार कमाल कर दिया तुम लोगों ने यार, नहीं तो ये बात माइक में बोलो ना। सर से बहुत ही ज्यादा मोटिवेट थे हम, सभी वीडियोस डे नाइट हम देखते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना जयपुर में सर को इनवाइट किया जाए, तो हमने प्लान किया, पूरा इवेंट प्लान किया, सर से मिलने गए, सर से टाइम लिया। बड़ी मुश्किल से इन्होंने बोला था, हम लोग सर से मिलने गए थे कि मैं मिल नहीं पाऊंगा, फोन पे सारे मिल कर लीजिए जो भी है, तो हमने कहा सर आपसे मिलना है, आपके फैन है, तो सर बोले मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट दे पाऊंगा। हमने कहा सर हमें आपकी 10 मिनट ही चाहिए, और वो बात लगा कि बाद में वो मीटिंग हमारी 3 घंटे तक चली थी। ओके थैंक यू सर, आप जयपुर आए जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं 700-800 लोग, सबका नहीं एक का भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गया तो आपका ये प्रयास सफल हो गया, एक का भी हो गया।